हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको रिलेशन बताए थे जिसमें पहला रिलेशन था के बाई तथा सिग्मा, जहां के जो था वह आयतन प्रत्यास्थ का गुणांक था तथा बाई था वह यंग प्रत्यास्थ का गुणांक था तथा जो सिग्मा था वह पॉइसन अनुपात था, जिनके बीच संबंध बताया था। आज हम तीसरा संबंध, जो तीसरा रिलेशन है, किस किस में बताएंगे। पहला बाई के तथा ईटा में बताएंगे, जहां पर बाई जो है वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तथा जो ईटा है वह दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक है। इन तीनों में हम संबंध किस प्रकार निकालते हैं देखते हैं। जो हमने पहला संबंध निकाला था, पहला रिलेशन हमारा क्या था, k इक्वल टू बाई अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा, यह हमारा पहला रिलेशन था। फर्स्ट रिलेशन k इक्वल टू बाई अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा। हम इस वाले रिलेशन को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 सिग्मा को हमने इधर ले गए और यहाँ पर बाई जो के है वह इसके अपॉन में लिया है। तब जो हमारी इक्वेशन आई थी 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू बाई अपॉन 3 के, हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब जो हमने कल जो दूसरा रिलेशन निकाला था, सेकंड रिलेशन क्या था, ईटा इक्वल टू बाई अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा, यह है इसमें ईटा क्या है दृढ़ता गुणांक, बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक और सिग्मा क्या था पॉइसन अनुपात था। अब हमने इस वाले रिलेशन को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई करी तो 2 प्लस 2 सिग्मा, तब ये वाले पूरी ये वाला पोर्शन था वह हम घर ले गए और जो ईटा था वह बाई के अपॉन में लिया है। तब इस वाली इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार ले सकते हैं, 2 प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू बाई अपॉन ईटा। हमने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट तथा 2 जो आई है वह फर्स्ट तथा सेकंड रिलेशन से आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, उपर्युक्त समीकरण को जोड़ने पर। तब हमने इस वाले पोर्शन को जोड़ा 1 माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 प्लस 2 सिग्मा, 2 माइनस 2 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा कैंसिल हो गया और 1 प्लस 2 यहाँ पर हमारा 3 आ गया, 3 इक्वल टू। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, बाई अपॉन 3 के प्लस बाई अपॉन ईटा। अब हमने बाई अपॉन ईटा प्लस बाई अपॉन 3 के यहाँ पर नोट कर दिया। यह हमारा ये दोनों इक्वेशन जोड़ने पर हमारी नई सॉल्यूशन निकला। अब हम इस सॉल्यूशन को कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, इसमें हमने दोनों तरफ बाई जो है उसे कॉमन ले लिया। जब बाई को कॉमन लेंगे हम तब यहाँ पर 1 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन 3 के हमारे पास रह जाएगा। इसमें हमने ईटा और 3 के को हमने कॉमन ली, इसकी वो होकर तो यहाँ पर हमारे पास 3 ईटा के अपॉन में आया और ऊपर जो हमने 3 के प्लस ईटा, तब जो हमारे पास सॉल्यूशन आया बाई 3 के प्लस ईटा अपॉन 3 ईटा के। अब हम इस वाली इक्वेशन को पूरी को इस प्रकार ले सकते हैं, ये वाला बाई इस प्रकार इधर ही रहती है, जो 3 ईटा के था वह हम ऊपर इस साइड ले जाए, तब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें तब हमारे पास 9 ईटा के आ गया। अपॉन 3 के प्लस ईटा जो है उसे
हम नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, तब जब हमारे पास आया 3j + θ, तब हमने इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 डिनोट कर लिया। अब हम जो इक्वेशन नंबर 3 है हम उसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला 9 है, इस वाले 9 को इसके डिवाइड में लेकर आए, तब 9/y = जो थीटा के साथ अपॉन है और 3k + θ इसके ऊपर और y इसके अपॉन में आ गया, तब 9/y = 3k + θ/nk। हम इस वाली इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं तथा या इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तब हमने क्या करा, इन दोनों के फैक्टर करें, 3k का k से k कैंसिल हो गया, 3/θ + θ/θ कैंसिल, 1/k, तो यहाँ पर 9/y = 3/θ + 1/k। हमने इस वाली इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन माना और यह हमारा जो थर्ड रिलेशन था बाई के और ईटा में जो रिलेशन है, यहाँ पर बाई ईटा और के, यह हमारा रिलेशन है। अब हमारा जो फोर्थ रिलेशन आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। जो हमारा जो फोर्थ रिलेशन है वह है ईटा के और सिग्मा में रिलेशन। जो चौथा रिलेशन ईटा के और सिग्मा में रिलेशन, इसमें क्या होता है, जब हम जो हमने अभी रिलेशन बताए थे, पहला रिलेशन तथा दूसरा रिलेशन, हमने उसे नोट किया। जो हमारा पहला रिलेशन है k = π/3 1 - 2σ, यह हमारा पहला रिलेशन है जिसे हमने नोट किया। तथा जो हमारा दूसरा रिलेशन है θ = π/2 1 + σ, हमने दोनों रिलेशनों को हमने यहाँ पर लिखा। तब इन दोनों रिलेशनों को लिखने पर जो हमारा पहला रिलेशन था हमने कुछ इसे इस प्रकार लिखा कि जिससे हमारा बाई की वैल्यू आए, हमने जो 3 1 - 2σ था इस वाले पोर्शन को हम इस साइड में लेकर आए, तब जो हमारी इक्वेशन आई π = 3k 1 - 2σ। जो हमारी इक्वेशन आई उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लिया। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा रिलेशन था θ = π/2 1 + σ, हमने उसे भी कुछ इक्वेशन नंबर 1 की तरह ही नोट करा। तब हमारे जो दीवारा नीचे वाला पोर्शन था हमने इसे दूसरी साइड में लेकर आए, तब दूसरी साइड में लाने पर y = 2θ1 + σ की तरह हमारी इक्वेशन आई। तब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 में दोनों जो इक्वेशन है वह यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट है। तब हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखने पर तब देखने के क्या हुआ, बाई के इन दोनों मानों को बराबर रखने पर, दोनों वैल्यूज को इक्वल रखने पर, जब इक्वल रखा तब हमने 3k 1 - 2σ = 2θ 1 + σ, इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 वाले को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा तथा दूसरे इक्वेशन नंबर वाले को राइट हैंड साइड पर लिखा, तब हमारी इक्वेशन इस प्रकार आई। अब हमने क्या करा, इसमें जो ब्रैकेट्स थी ब्रैकेट्स खोली, तब 3k - 3 × 6 3 × 2 6k σ = इसी प्रकार हर ब्रैकेट खोली, तब 2θ + 2θ σ, यह वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद हमने जो सिग्मा वाले थे उन्हें एक तरफ लिखा, जैसे एक सिग्मा यहाँ पर है, सिग्मा वाला यहाँ पर है,
हमने जो माइनस का सिक्स की सिग्मा है उसे दूसरी साइड लेके गए, तब वह प्लस का सिक्स के सिग्मा हो गया। हमने यहाँ पर सिग्मा को कॉमन लिया, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वह टू ईटा प्लस सिक्स के इक्वल टू, हमने इक्वल में क्या रखा, यहाँ पर थ्री के तो था ही, लेकिन जो टू ईटा है हम अदर साइड लेकर आए इसे, तब यह पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू ईटा। तब हमने क्या करा, जो सिग्मा वाला के साथ जो प्रोडक्ट था हमने उसे यहाँ पर डिवाइडेशन लेकर आए, तब सिग्मा इक्वल टू थ्री के माइनस टू ईटा अपॉन टू ईटा माइनस प्लस सिक्स के, यह है हमारी इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास आई। अब हम जानते हैं जो हमने अभी रिलेशन निकाला था वह किस किस में निकाला था। हमने रिलेशन जो था ईटा के तथा सिग्मा में निकाला था। हमारे इसमें प्रोडक्ट है, सिग्मा भी है, के है, ईटा है, तब ये हमारा रिलेशन नंबर फोर्थ हमारे सामने आ गया। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थ्री नोट कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसकी जो चरम मान है सिग्मा का वह क्या है, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जो सिग्मा की वैल्यू है वह हमारी उपस्थित है। हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी दिवाली और जो इक्वेशन नंबर टू थी दिवाली, इन दोनों के इक्वेशन से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वन एंड टू से, इक्वेशन नंबर वन एंड टू से दोनों को हमने इक्वल लगा, तब थ्री के वन माइनस टू सिग्मा इक्वल टू टू ईटा वन प्लस सिग्मा, हमने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फोर नोट कर लिया, जिसमें हम जानते हैं जो के और ईटा है, जो यहाँ पर के है और यहाँ ईटा है, यह एक आवश्यक रूप से धनात्मक राशि है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें हमने जो पहली कंडीशन लिखी, यहाँ पर पहली कंडीशन यह है, यदि जो सिग्मा है यहाँ पर अंदर वाला सिग्मा पॉजिटिव राशि है, जब अगर सिग्मा पॉजिटिव राशि है तो इसका समीकरण का जो दायां भाग होगा, यह वाला दायां जो भाग है वह धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और इस कारण तो इसका बायां भाग भी पॉजिटिव होना चाहिए। तब जब दायां पॉजिटिव होगा, बायां पॉजिटिव होना चाहिए, जब इसके लिए क्या होगा, वन माइनस टू सिग्मा ये ग्रेटर देन होगा जीरो से, यह बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, जो सिग्मा होगा वह वन अपॉन टू, जब हमने वन माइनस टू सिग्मा को जीरो के इक्वल लगेंगे, तब जो हमारी सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वह वन अपॉन टू आएगी, तब जो सिग्मा होगा वन अपॉन टू होगा, या जीरो पॉइंट फाइव ले सकते हैं हम इसे, या यह वैल्यू सिग्मा की आएगी। अब हमने जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, यदि सिग्मा एक ऋणात्मक राशि है या नेगेटिव राशि है, जब हमारी सिग्मा ऋणात्मक राशि है तब जो इसके समीकरण का बायां भाग जो होगा वह ऋणात्मक होगा, जब बायां भाग ऋणात्मक होता है इसके कारण दायां भाग भी उसका धनात्मक होगा, जब बायां भाग धनात्मक होता है तो बायां भी धनात्मक होगा। इसमें क्या है, जब हमने लिखा वन प्लस सिग्मा ग्रेटर देन होगा जीरो के, तब हमने जो कंडीशन आई हमारी वह हमने सिग्मा को जीरो के इक्वल रखा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई, माइनस वन आई। तब जो सैद्धांतिक रूप से सिग्मा के मान जो है वह माइनस वन तथा जीरो पॉइंट फाइव के बीच में होते हैं, जो हमने आपको इस फिगर में बताया है, जो सिग्मा की जो वैल्यू होती है माइनस वन से 0.5 के बीच में होती है। यह हमारे आज चारों जो रिलेशन थे वह हमने आपको बता दिए।